जय हिंद दोस्तों, आज लेकर जाएंगे हम आपको उत्तराखंड के कोरदार शहर से मात्र 11 से 12 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर खो नदी के तट पर एक पत्थर पर टिका हुआ है। लगभग 300 सालों से पहाड़ और कोरदार के लोगों का मानना है कि कोई भी मन्नत हो या आप पर दुखों का पहाड़ टूट रहा हो तो सब कुछ यहां आकर गुफा के भीतर जो कि 6 या 7 फीट की लंबाई की है वहां लेटकर जाना होता है। उस जलता हुआ दीपक यानी पिंड रूपी में माता के दर्शन मात्र से ही सभी की पीड़ा समाप्त हो जाती है। यहां 12 महीने खुला होता है। यहां के बारे में मालूम चला है जो एक प्रचलित कथा है के हिसाब से यह मंदिर कब अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ों में शादियां रात को होती थी पहले, या फिर चलते चलते रात हो जाती थी। तो उसी समय की बात है दोस्तों कि एक दुल्हन को डोली में बैठाकर यहां पे लाया जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, वह लाल रंग की साड़ी और लाल रंग की डोली में विदा किया जाए था। चलते चलते इसी जगह पर डोली को विश्राम दिया गया। सारे बराती यहाँ पर समय बिताने, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो नाइट होल्ड उन्होंने यहाँ पर किया। दुल्हन का नाम दुर्गा था। जब सुबह हुई तो अचानक से दुर्गा यानी दुल्हन लापता हो गई। धीरे धीरे इस जगह को दुर्गा देवी के नाम से जानने लगा दोस्तों। दूसरी कथा यह प्रचलित है दोस्तों कि यहाँ पर बाबाओं का धुना हुआ करता था। धुआं का मतलब कि जहाँ पर सुबह शाम तक आग लगी होती है और वहीं पे सारे बाबा इकट्ठे हुआ करते हैं। तो ये लगभग 300 साल पुरानी बात है दोस्तों। यहाँ के डुगड्डा से पहले आयता गांव है, तो उस समय के लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी आग जलाने की, आग लेके जाने की। तो आयता गांव के लोग इसी धुना से आग ले जाया करते थे, क्योंकि बाबाओं के पास कपास और एक पत्थर हुआ करता था जिसको टकरा कर वह आग जलाते थे और धुना बनाया करते थे। एक और मान्यता इस स्थान के बारे में यह भी है कि अंग्रेजों के टाइम पे ब्रिटिश शासन के समय यहाँ रोड निकाली गई थी। किसी कारण बस यहाँ पर रोड का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, बार बार रोड टूटती जा रही थी दोस्तों। तो यहाँ पर एक ठेकेदार था, उसके स्वप्न में माता आती रहती थी, जब तक आप यह मेरा मंदिर नहीं बनवाओगे तब तक यह सड़क कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। इस बात को उस ठेकेदार ने जो कि मुसलमान था उसके ब्रिटिश सरकार को नहीं बतलाया। वहां पर बार बार सड़कें बनती हुई और टूटती गई, बनती गई और टूटती गई। फिर उसके बाद एक हिंदू ठेकेदार यहां पर आया, फिर उसके स्वप्न में भी माँ दुर्गा ने वही बात कही थी जो पहले वाले ठेकेदार के स्वप्न में कही थी। तो हिंदू ठेकेदार ने ब्रिटिश सरकार को कहा, तब वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। उस दिन के बाद आज यहाँ एक बहुत मजबूत सड़क बन चुकी है। सड़क से नीचे यह मंदिर है, चट्टानों के सहारे यह मंदिर खड़ा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर जो आपको दिल में, आपके घर में कहीं विपत्ति छाई है, दिल में कोई मन्नत पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आइए, चुनरिया बांधे और इस गुफा में दर्शन करें, दीपक का, पिंड का, और अच्छी अच्छी फोटो खिंचाएं। तो मिलते हैं हम अगली फिल्म में, अगले नेक्स्ट व्लॉग में।